नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या भूत प्रेत शीशों में भी दिखाई देते हैं, क्या वो आईने में दिखाई देते हैं। किसी का सवाल था तो इस पर वीडियो बन रही है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं, नोटिस की गई हैं, जहाँ भूत प्रेत आपको आईने में दिखाई देते हैं। इनके दिखने के दो प्रकार होते हैं। पहली चीज़ तो जैसे आप खुद को देख रहे हो आईने में, वैसी ही छवि ये कैप्चर कर लेते हैं और आपको लगेगा कि आप ही हो आईने में, पर आप का साथ आईना नहीं दे रहा। जिस तरीके से आईने को हम देखते हैं और हम खुद को ही देख रहे होते हैं, हमारा प्रतिबिंब नज़र आता है, तो हम जो भी हरकत करते हैं वैसा ही आईने में वो हरकत दिखाई देती है। तो उस हरकत में बदलाव देखने को मिलेगा, या तो बदलाव इतना ज़्यादा होगा कि आप घबरा जाओ, या बदलाव इतना माइन्यूट होगा, इतना जल्दी होगा, कुछ सेकंड्स के लिए होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, समझ ना पाओ कि वाकई में हो क्या रहा है। मैक्सिमम टाइम पे जब ये ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ कोई भी स्पिरिट आपकी छवि को कैप्चर कर लेती है, यानी कि प्रतिबिंब में आप देख खुद को रहे हो पर वहाँ पे आप नहीं, कोई और हरकत कर रहा होता है, तो ऐसे में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत सेकंड्स में हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। बहुत से ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ विटनेस की गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं। आप सर्च करेंगे आपको बहुत सी ऐसी पैरानॉर्मल वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे बाकायदा जब आप कोई हरकत कर रहे हो तो उस हरकत में डिले हो रहा है, सामने आप देख रहे हो, आप पलट रहे हो, तो बदले में आपकी ही इमेज वाली कोई आकृति वहाँ पे तब भी खड़ी है। बहुत लोगों ने हालांकि आज के वक्त में ऐसे मैजिकल मिरर्स भी बना लिए हंसी मजाक के लिए, प्रैंक्स करने के लिए, के घोस्ट प्रैंक के लिए। तो इस तरीके के जो प्रैंक्स बनते रहते हैं हंसी मजाक के, वो बनते रहते हैं, जो सीरियसनेस है इस कॉन्सेप्ट की उसको ये ख़राब करते हैं। बहुत लोग विश्वास करते हुए भी नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं शायद ये हो सकता है एक और अनदर प्रैंक हो या कोई मजाक हो, पर ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि बाकायदा जो स्पिरिट जैसी दिखती है, जैसा उसका स्वरूप है, जैसी उसकी पास्ट लाइफ में शक्ल थी और उसी शक्ल को लेकर वो प्रेत योनि में है, उसी रूप में उसका ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देना। जो ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देती है स्पिरिट, तो बहुत हद तक वो सामने वाले को पोजेस कर चुकी होती है, उसके पीछे पड़ चुकी होती है, तो उसको दिखाई देती है। वो भी ऐसा नहीं है कि रोज़ उसको दिखाई देगी, ये बहुत सेकंड्स में होता है कि आप मुंह धो रहे हो, हाथ धो रहे हो, एकदम आपने पलट के देखा तो आपको लगा अजीब सा, फिर आप धो रहे हो, देखा तो कोई और है। ये बहुत सेकंड्स में, और ये नहीं कि ये सबके साथ होता है, ऐसे होता होता तो लोग शीशा देखना बंद कर देते, शीशे से डरना शुरू कर देते। जो लोग हाईली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से ग्रसित इलाकों में रहते हैं, ऐसे घर में रहते हैं जहाँ बहुत हाई पैरानॉर्मल फोर्सेस हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेत आत्माएं हैं, या जो बहुत ज़्यादा पोजेस्ड है कोई इंसान, या कोई मिरर है जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, जो जिसका पोर्टल खुला हुआ है, जिस मिरर के थ्रू स्पिरिट्स आवागमन कर रही हैं, ऐसे मिरर्स के थ्रू ही इनको देखा जा सकता है। यहाँ तक कि पहले के राजा महाराजा वगैरह, पहले के वक्त में भी मिरर्स से जो प्रिंसेस वगैरह होती थी बात किया करती थी, तो ये भी एक पोर्टल कम्युनिकेशन होता था कि यहाँ इस भौतिक दुनिया से उस दूसरी दुनिया में संपर्क करना। यहाँ तक कि इसका इतना डीप ये चीज़ है कि लोग कभी कभी कम्युनिकेशन के लिए भी मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, डार्क मिरर्स तक का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिमोनिक कम्युनिकेशन, शैतानी शक्तियों से बात करने के लिए, और नॉर्मल स्पिरिट से बात करने के लिए नॉर्मल मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक शीशे के भी दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक तो जैसे आप खुद को देख रहे हो, दूसरा जो आईने के अंदर का पर्सपेक्टिव है, तो दोनों ही चीज़ें एक अलग दुनिया को दर्शाती हैं। पहली तो आपकी दुनिया भौतिक जो आप देख रहे हो, दूसरी वो दूसरी दुनिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेत आत्माओं का ही वास माना जाता है। तो शीशा तो आज से नहीं, बहुत टाइम से ये माना गया है कि ये बहुत कमाल का पोर्टल है प्रेतात्माओं से संपर्क करने का, उनके आने का, उनके जाने का। यहाँ तक कि ये जो है इतना ज़्यादा पोटेंट होता है, इतना ज़्यादा वर्क करता है कि बहुत लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन में।
तो और ये नहीं है कि सबके साथ ये चीज़ होगी, कई दफ़ा मंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है उस पोर्टल को ओपन करने के लिए। शीशे तो हर जगह हैं, हर घर में है, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह से शीशों से कोई ना कोई निकल के आ रहा है, या आप शीशे को देख रहे हो तो आपको कोई और दिख रहा है, या आपकी हरकतें बदल रही हैं, यू आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ कम्प्लीटली, ऐसा तो हर जगह नहीं हो रहा है। सिर्फ वहीं होगा जहाँ पे प्रेत आत्माएं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हाई पैरानॉर्मल फोर्सेस हैं, जहाँ पे या फिर पोर्टल खुला हुआ है और शीशे का पोर्टल खुला हुआ है, शीशे के थ्रू स्पिरिट्स का आना जाना किसी ने एक्टिवेट कर दिया है, इधर ब्लैक मैजिक से, इधर मंत्रों से, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा हाईली पोजेस्ड हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी है, तब आप जब मिरर में देख रहे हो तो आपको और लोगों की इमेजेस नज़र आ रही हैं, तो सिर्फ वहीं ऐसा मुमकिन है। या फिर कोई मिरर है जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, किसी ऐसी जगह पे से लाया गया है जो ब्लैक मैजिक में उस मिरर का यूज़ होता था, सपोज़ वो मिरर कहीं बेच दिया गया सेकेंड हैंड, या किसी घर में आपको मिल गया, वहाँ कोई टोने टोटके करके उस मिरर का ही इस्तेमाल करता था, आप भी उस मिरर का यूज़ करने लगे, ऑलरेडी वो मिरर एक्टिवेटेड है, तो तब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हर शीशे में ये होगा, ये चीज़ें जगानी पड़ती हैं, ये चीज़ें एक्टिवेट की जाती हैं तब ये वर्क करती हैं, बाकी दोनों ही बातें संभव हैं, किसी प्रेत आत्मा का दिखाई देना और दूसरा आपका ही दिखाई देना पर आपकी हरकतों में बदलाव होना, आप हाथ उठा रहे हो तो आपका हाथ नहीं सामने शीशे में आप देख पा रहे उठता हुआ, या आप मुड़ गए तुरंत पर आपकी इमेज एज इट इज़ किसी ने पॉज करके जैसे शीशे में कैद कर दी हो कि वो इमेज नहीं मुड़ी। एक मैंने मूवी देखी थी पहले, बहुत सुंदर मूवी थी, सूर्यवंशी, और उसके अंदर एक एक्ट आता है, उसके अंदर एक प्रेत आत्मा होती है एक राजकुमारी की, वो दिन में दर्पण में समा जाती है और रात में दर्पण में से बाहर निकलती है, तो जब वो रात को दर्पण में से बाहर निकलती है तो उससे हीरो पूछता है कि वो एक जो लोग उसके किले में आए होते हैं कूद के खंडर में, हज़ारों साल पुरानी स्पिरिट होती है, तो उससे पूछते हैं कि भाई अभी तो तुम दिन में तो तुम दर्पण में थी, तो कहती है अब दर्पण मुझ में है। तो ये जो लाइन है, जो वर्ड है, इट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ये बहुत रियल कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिखाया है फिल्म में, बहुत कमाल की फिल्म थी। और उसके अंदर बाकायदा उसमें वो रात में बाहर निकलती है शीशे में से, दिन में शीशे में समा जाती है, तो ये जो स्पिरिट्स होती हैं ये भी अक्सर इसी तरीके से इस पोर्टल का इस्तेमाल करती हैं आवागमन के लिए इस भौतिक दुनिया और अपनी प्रेत संसार के बीच में, उस पारलौकिक दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच में उस संपर्क को बनाए रखने के लिए। बहुत लोग जो इन चीज़ों को शिकार होते हैं तो अक्सर उनके कहा जाता है कि अपने घर से आप मिरर्स को निकाल दीजिए, अपने रूम में मिरर का इस्तेमाल मत कीजिए, मिरर को रात को सोते समय ढक दीजिए, यहाँ तक कि मिरर को पेंट तक करवा दिया जाता है वाइट कलर से ताकि उस पोर्टल को बंद किया जा सके, या फिर कोई भी क्लोथ उस पर बांध के मंत्रों द्वारा उसको बांधा भी जाता है ताकि किसी भी तरीके की वो चीज़ें आपको ना सताए, यहाँ तक कि मिरर को बरी भी किया जाता है, उसको दफनाया भी जाता है ताकि पोर्टल क्लोज हो सके। और अगर ऐसे मिरर टूट जाते हैं तो इन एनर्जीज का, अगर कोई मिरर है जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और आप एक सॉल्यूशन के तौर पर उसको तोड़ देते हो कि शायद उससे कोई रोक हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है, तोड़ देने से और ज़्यादा स्पिरिट्स स्कैटर हो जाती हैं और ज़्यादा गुस्सैल हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती हैं कि आपने उस पोर्टल को ख़राब कैसे किया, और तब भी वो आवागमन बना रहता है, तो ऐसे में लोग फिर टूटे हुए शीशे तक को बरी कर देते हैं, लोग अक्सर शीशों को जला तक देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं भौतिक संसार में ही, उस पारलौकिक संसार से जुड़ा हुआ एक जो जुड़ाव है वो हर किसी न किसी चीज़ के थ्रू ईश्वर ने बनाया है, हमें रियलाइज़ कराने के लिए कि हम इस शरीर को त्यागने के बाद भी अपना संपर्क भौतिक दुनिया से रख पाते हैं और इन्हीं पंच तत्वों से बनी हुई इन चीज़ों के माध्यम से रख पाते हैं, ताकि हम इस चीज़ का सम्मान करें कि ईश्वर ने भेदभाव तो किसी के साथ नहीं किया, ना प्रेतात्माओं के साथ, ना हमारे साथ, हम भी आत्मा हैं, बस फिलहाल हमारे पास ये पिंजरा है हार्ड मांस का, हड्डी का,
मांस का बना हुआ, तो हम अपने आप को अमर समझते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कभी मरेंगे ही नहीं, हम शायद कभी भूत प्रेत बनेंगे ही नहीं, या भूत प्रेत तो पता नहीं कौन एलियन है, जबकि वो हम में से ही कोई होंगे बेचारे जिनका शरीर वक्त से पहले छीन लिया। तो इसीलिए जिनका भी सवाल था उनसे ये कहूँगा, हाँ जी ये मुमकिन है कि शीशे में स्पिरिट्स दिखना, पर ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, हर जगह नहीं होता, सिर्फ उन्हीं जगह होता है जहाँ पे ऐसे शीशों में कोई प्रेतात्मा वास कर जाती है, या हाई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, या बंदा बहुत ज़्यादा हाईली पोजेस्ड होता है, या कोई आप हॉन्टेड मिरर का इस्तेमाल करते हो, या ऐसे मिरर का जिस पे के थ्रू ब्लैक मैजिक होते हैं, या आप मिरर के थ्रू ब्लैक मैजिक अगर करते हो तो ही ये पोर्टल्स जो होते हैं एक्टिवेट हो पाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ज्यादा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, हर परेशानी दूर होगी, नेगेटिविटी का नाश हो जाएगा, काले जादू की काट हो जाएगी। हम मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये ज़िंदगी भर आपका साथ देता रहेगा, आपकी रक्षा करता रहेगा। आप मेरे से अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कंधे भारी रहते हैं, पीठ अकड़ी रहती है दर्द के मारे, हाथ पांव नहीं चल पाते, तो आप मेरा भी मंत्र तेल मंगवाइए, उससे मालिश कीजिए, नेगेटिविटी दूर होगी, दर्द चला जाएगा, और धीरे धीरे आपके हाथ पैर कमर पीठ कंधा सब चीज़ वर्क करने लगेगी, ऐसे दर्द चला जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।